वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव से सियासी गलियारों में गर्मी गर्मी का माहौल है, जिसके चलते कांग्रेस एक के बाद एक बड़े दौरे कर रही है और चिंतन शिविर के जरिए मौजूदा हालात का जायजा भी ले रही है। वहीं चिंतन शिविर के बाद अब बांसवाड़ा आएंगे सोनिया राहुल। बांसवाड़ा दौरे के दौरान ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी के कई बड़े फैसले हो सकते हैं। वहीं बांसवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी भी पहुंचे और भाटी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। इसी दौरान सर्किट हाउस में मंत्री को स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा और वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर राहुल गांधी की सभा को लेकर भी चर्चा की गई। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री ने आज सर्किट हाउस में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बेणेश्वर धाम में होने वाली राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दौरे को लेकर भी चर्चा की। मंत्री ने सभी को कहा कि ये आयोजन शानदार होना चाहिए, जिसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। और मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी ने राजस्थान के उदयपुर को चिंतन शिविर के लिए चुना, ये अहम बात है। इस शिविर में देश भर के कांग्रेस के वरिष्ठ 400 नेता भाग लेंगे। इस शिविर में कई प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे और आगामी कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। कांग्रेस पार्टी का ये शिविर पहले भी होते रहे हैं और इस बार भी हो रहे हैं।